हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपको, अगर आप सपने में खुद को यात्रा करते हुए देखते हैं तो इसका क्या मतलब या अर्थ होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यात्रा का नाम सुनते ही मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, खास करके बच्चों के अंदर। कहीं की भी यात्रा किसी पिकनिक से कम नहीं होती। वैसे तो सपने हम सभी देखते हैं, पर ज़रूरी है कि सपनों के संकेत को समझना चाहिए। वहीं हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में कई ऐसे संकेत बताए गए हैं जिसके द्वारा आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला हम यहाँ यात्रा और सपने की बात को लेकर चर्चा क्यों कर रहे हैं। दरअसल अक्सर हम जिनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं या फिर पूरे दिन बातें करते हैं, वही हमारे सपनों में आते हैं। लेकिन कई बार कुछ ऐसे सपने भी आ जाते हैं जो हमें कुछ संकेत देना चाहते हैं। कहते हैं सपने में अगर आप खुद को यात्रा करते हुए देखते हैं तो यह जान ले कि यह एक अशुभ स्वप्न माना जाता है। वहीं स्वप्न शास्त्रों की माने तो सपने में खुद को यात्रा के लिए किसी गाड़ी से जाते हुए आप देखते हैं या फिर यात्रा के लिए अपनी गाड़ी सजाते हुए देखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यह बुरी घटना का संकेत हो सकता है। दूसरी ओर अगर आप अपने आप को सपने में खुद को नाव में बैठकर कहीं यात्रा करते हुए देखते हैं तो जान लें कि यह आपको संकेत दे रहा है कि जल्द ही भविष्य में आप किसी लंबी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं। यही नहीं, अगर आप सपने में खुद को कहीं पैदल यात्रा करते हुए देखते हैं तो जान लें कि यह किसी यात्रा द्वारा आपके होने वाले धन व लाभ की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, अगर आप भी कभी सपने में यात्रा करते नजर आए तो इस बात पर खास ध्यान रखें कि आप यात्रा किससे कर रहे हैं, ताकि आप पहले से ही आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं और एक खुशहाल ज़िंदगी जिएं। सपने देखना गलत नहीं होता, लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने सपनों के इशारों को समझें और हर चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करें। तो दोस्तों, आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।